हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम है ममता और मैं एस्टोनिया में रहती हूँ, मगर अभी मैं आई हूँ यूएसए में। ये है मेरा तीसरा दिन, तो मैं हूँ नायग्रा फॉल्स में। तो मैं वॉलमार्ट में आई हूँ। इधर मुझे थोड़ा कुछ सामान चाहिए था, और सबसे जो मेरा ज़रूरी चीज़ थी वो थी कन्वर्टर, क्योंकि इधर जो है इनके स्विचेज है यूरोप से बहुत अलग होते हैं, तो उसके लिए कन्वर्टर जरूर चाहिए होता है। मैंने फ़ोन के लिए तो मैंने एप्पल स्टोर से बाई कर लिया था अडेप्टर, मगर मुझे अपने पीसी के लिए चाहिए था। और मैं वॉलमार्ट के अंदर जाऊंगी, आपको सब प्राइसेस भी दिखाऊंगी कितना महंगा है। मगर ऑलरेडी अभी तक तो मुझे पता चल गया है यूएसए मतलब उधर यूरोप से तो बहुत ज़्यादा महंगा है खाने पीने में। मतलब हर बार अगर आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ लेते हो बाहर से खाने के लिए जाते हो, तो $40 तो मतलब आपके ऐसे ही गए हैं, और ऊपर से टिप देते हो आप तो मतलब 45 यूरो तक आपका एक टाइम का खर्चा हो जाता है। चलो अभी मैं आपको वॉलमार्ट के अंदर जाके दिखाती हूँ।
मार्ट से थोड़ा सामान लेके बाहर निकली हूँ। और इनकी सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि ये एप्पल पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरी सारी जो वर्चुअल कार्ड है वो मैंने अपने फ़ोन पे एप्पल पे में ऐड कर रखे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मुझे अपना जो यूरोपियन का कार्ड था LHB का वही यूज़ करना पड़ा। उसके थोड़े एक्सचेंज रेट थोड़े ज़्यादा लगते हैं, मगर एटलीस्ट इट वर्क्ड एंड दैट्स नाइस। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, ना इनके पास टैप सिस्टम है ना एप्पल पे है, बहुत सारे स्टोर्स में ऐसे एप्पल पे नहीं है, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात जो इनकी अच्छी नहीं है, ये देख लो पेपर बैग में मैंने सामान लिया है और इसका कोई हैंडल ही नहीं है। अब कोई बंदा ऐसे मतलब पूरा टाइम अगर किसी को दूर जाना है तो कैसे पकड़ के ये जाएगा, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो गाइस मैं अभी अभी बस से उतरी हूँ, जो वॉलमार्ट से मैंने अपने इधर से इधर तक ली थी, नाइग्रा फॉल्स तक ली थी। ये बताना तो बहुत ज़रूरी है कि इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं है जैसे यूरोप की होती है इतना। और बात ये है कि मैं उधर प्रॉब्लम में आ गई थी क्योंकि मैं सिर्फ एप्पल पे यूज़ कर रही हूँ और कार्ड यूज़ कर रही हूँ, तो बस में जाके मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि आप उधर ही टिकट्स बाय कर सको या एप्पल पे कर सको। और उन्होंने किसी कहाँ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी थी कि इस एप्लीकेशन से आप जो अपनी टिकट्स है वो बाय कर सकते हो ऐसे। तो जब मैं आ रही थी तो फिर मैंने जो उससे जो होता है ड्राइवर उससे पूछा कि मतलब एप्पल पे चल नहीं रहा है, तो उसने बोला कि एप्पल पे तो इधर चलेगा नहीं, आपको टिकट्स जो है बाय करनी पड़ेगी। उसको भी एप्लीकेशन का पता नहीं था कि कौन सी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो उधर से आप अपनी टिकट्स जो खरीद सकते हो। तो उसने जो बस में जो और पैसेंजर्स बैठे हुए थे इतना ज़ोर से चला के बोला कि किसी को पता है ताकि सबको सुन सके। तो उधर से एक लड़की आई तो उसने जो मुझे एप्लीकेशन दिखाई, और मगर फिर प्रॉब्लम हुई कि जो एप्लीकेशन हर एप्लीकेशन के लॉगिन के लिए आपको पूछते हैं कि आप अपना नंबर दो, जैसे मैं नंबर उधर भरा जो स्टूडेंट नंबर, तो नंबर मेरे मैंने वर्चुअल सिम चला रखी है तो नंबर मेरा दूसरा चल नहीं रहा था, तो इसलिए मैं जो एप्लीकेशन भी वो चला नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने उस लड़की जो मतलब मुझे दिखा रही थी एप्लीकेशन, तो मैंने उसको ही मतलब पैसे पे किए, उसको मैंने ट्रांसफ़र वाइज से पैसे सेंड किए 5 यूरो। तो उसने जो है टिकट जो है मेरे को लेके दी, देन लाइक उसके बाद ही मैं इधर आ पाई, अदरवाइज़ तो मैं उधर ही अटक जाती थी क्योंकि ड्राइवर तो अलाउ नहीं करता था बिना टिकट के इधर तक आना। तो ये प्रॉब्लम हुई, आप आगे से ध्यान रखें अगर आप इधर आ रहे हो तो।